ग्वालियर में अवैध शराब कारोबारियों को पकड़कर थाने लेकर आई पुलिस पर थाने के बाहर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। बदमाश आधा दर्जन से ज्यादा थाने के सामने फायरिंग कर वहां से भाग निकले। वहीं फायरिंग के दौरान दो आरक्षकों ने थाने के अंदर भागकर अपनी जान बचाई। बता दें कि फायरिंग के बाद पुलिस अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं पुलिस ने फायरिंग करने वाले बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल हजीरा थाना क्षेत्र के 4 नंबर लाइन की पुलिस को सूचना मिली थी कि आशीष शर्मा और मनीष राजपूत नाम के दोनों युवक शराब की अवैध तस्करी कर रहे हैं, जिस पर पुलिस मौके पर जा पहुंची और दोनों युवकों को अवैध 10 पेटी देसी शराब के साथ धर दबोचा। उसी दौरान पड़ोस में रहने वाले शैलेंद्र परमार ने पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन वहीं पुलिस दोनों युवकों को शराब की पेटी के साथ थाने पर ले आई। वहीं कुछ ही देर बाद शैलेंद्र परमार अपने साथी के साथ कार से थाने के सामने जा पहुंचा, जहां थाने के सामने कार को खड़ी करने पर दो आरक्षक करण और श्रीकृष्ण उससे पूछताछ करने के लिए जा पहुंचे। तभी शैलेंद्र अपनी कार को थाने से थोड़ी दूरी पर ले जाकर कार से निकला और अपने साथी के साथ मिलकर शैलेंद्र ने आधा दर्जन से अधिक करीब बंदूक से फायरिंग कर दी। फायरिंग को होता देख दोनों आरक्षक थाने के अंदर जा पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को थाने के बाहर फायरिंग होने की सूचना दी। तब जब पुलिस बल बदमाशों को पकड़ पाता, उससे पहले ही कार सवार बदमाश फायरिंग कर वहां से फरार हो गए। वहीं पुलिस बल अधिकारियों के साथ मौके पर जा पहुंचे, जहां बदमाशों की तलाशी के लिए आसपास पुलिस ने घेराबंदी की कोशिश की, लेकिन एक भी बदमाश पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। बता दें कि बीते दिनों इसी कांच मिल क्षेत्र में आबकारी टीम पर अवैध शराब का कारोबार करने वाले माफियाओं ने फायरिंग की थी और उसमें संजय भदौरिया नाम का एक आरक्षक घायल हुआ था। वहीं पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी के लिए अलग अलग टीमों को लगा दिया है। फिलहाल पुलिस ने बदमाशों पर आपराधिक मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। लगभग 11:30 बजे एक लाल रंग की कार से दो लोग आए और उनने यहाँ थाने के सामने रोड पर फायरिंग किया। उनमें एक शैलेंद्र परमार के रूप में पता चला है और जो फायरिंग किया उन्होंने, उसके बाद में पुलिस बाहर निकल कर देखा, पुलिसकर्मियों ने भाग गए वो अपनी कार से, उनका पीछा किया गया। अभी टीमें रवाना हैं जो कोशिश कर रही है उनको पकड़ने की। इस बीच में यहाँ मुकदमा कायम करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये वजह क्या है, क्यों वजह अभी जब पकड़े जाएंगे तब सामने आएगी कि क्या वजह थी, किस कारण से वो यहाँ आए थे। लेकिन बताया जा रहा है 4 नंबर जब पुलिस लाइन में खराब कार्रवाई होगी, वो अभी जब तक पकड़े नहीं जाएंगे तब तक एग्जैक्ट रीजन सामने नहीं आएगा। किसी आरक्षक को भी एक धमकी दी है फोन पे? अभी ऐसी ये बात नहीं आई है। फायरिंग की जो घटना हुई है उस पर से पुलिस अभी कार्रवाई कर रही है। पुलिस के पास क्या मतलब पकड़ कहां तक पहुंची है पुलिस अभी? पुलिस अभी लगातार हमारी 3-4 टीमें हैं जो शहर में दबिश दे रही हैं। कार्रवाई की जा रही है, ठीक है, उसी में टीमें हैं, पकड़ रही हैं उसको। आज मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो लड़के प्लेटिना गाड़ी पर अवैध शराब की बिक्री के लिए खड़े हैं। सूचना की तस्दीक से फोर्स की मदद से दोनों आरोपियों को घेर के पकड़ा गया। उनका नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम आशीष शर्मा बताया व दूसरे ने अपना नाम मनीष राजपूत बताया। उनके कब्जे से कुल 10 पेटी बरामद हुई है, अवैध देसी मदिरा थी। दोनों को आरोपी से पूछताछ की गई कि कहाँ से दारू लाए हैं, तो उन्होंने बताया कि एक अन्य आरोपी है रामू तोमर, उसने इनको सप्लाई के लिए दी थी। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके प्रकरण विवेचना में लिया गया। इसके बारे में विवेचना की जा रही है और सघन जांच से पूछताछ भी। अब इसके बारे में जानकारी निकाली जा रही है। दोनों लोग तकरीबन अवैध शराब के तस्कर रहे हैं, ऐसी जानकारी मिली है।